नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है महंत आनंद दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या से हैं, वरिष्ठ सपा नेता भी हैं ये। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज के दौर की राजनैतिक स्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अयोध्या में आए आप, आश्रम पर आप लोग आए, इसके लिए मैं बहुत कोट कोट धन्यवाद। और जो अभी आपने राजनीति की बात की है, राजनीति आज के समय में जो लोग पहले लोहिया जी और अन्य नेता कहते थे लोकतंत्र है, लोग बताते हैं, आप अयोध्या में हैं, अयोध्या की स्थिति मैं बता दूं। अयोध्या में 2017 से इनकी पिछली सरकार थी, अब दूसरी सरकार है। 17 वाले सरकार में ये 15,000 करोड़ रुपए का घोषणा किए, वो आज तक कहीं पटल पे नहीं दिखा। और अभी 1.5 महीना पहले योगी जी आए थे, फिर से 19,000 करोड़ रुपए, आप लोग नेट पे या उस पर देख लीजिए सर्च करके, 19,000 करोड़ रुपए घोषणा करके गए हैं। और ज़मीनी हकीकत, आप पत्रकार हैं, गलियों में सड़कों पर जा करके अयोध्या में घूम के देख लीजिए, कहीं कोई विकास हुआ हो तो बताइए। वही अखिलेश वाली जो अखिलेश जी दिए थे अंडरग्राउंड बिजली नाली और सीवर, वही चल रहा है, वही चारों तरफ खुदाई है, उसके अलावा कोई काम इनका दिख नहीं रहा है। सरकार पे लगातार हमला कर रहे हैं, पे अयोध्या में विकास दिखता है नहीं दिखता है। अब देखिए, आपने राम मंदिर का चर्चा किया है जी। तो राम मंदिर का पहले मैं बता दूं, तो धरातल पे आपको मैं विकास का बताता हूं। आप लोग कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पर इस देश में OBC के नाम पर RSS ऐसा प्रधानमंत्री लाया है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम OBC के लिए नहीं किया है, और इन लोगों ने एक गोविंद नाथ जी को जो उनमें राष्ट्रपति बनाया था, OBSC के नाम पर एक कठपुतली हैं, वो भी कहीं आज तक अपने समाज के बारे में SC के बारे में नहीं बोल सके। और इस समय राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, उसी तरह से फिर एक काठ के उल्लू द्रौपदी मुर्मू जी को ले आए हैं ये लोग, झारखंड नहीं वहाँ की हैं, क्या कहते हैं, उड़ीसा की हैं, पटना। आज ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में एक OBC के लोग नहीं हैं, यहाँ तक कि ठाकुर नहीं हैं। तो किन लोगों को? ब्राह्मण के अलावा और कुछ एक कोई बिहार के दलित है RSS के, वही हैं, और कोई उसमें है या नहीं है। तो लोग तो आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ठाकुरों की है, अब आप बता रहे हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में जो है ब्राह्मण को रखा गया है। ब्राह्मण ही है भाई, ठाकुरों का सरकार हो तो ब्राह्मण आरोप लगाते होंगे, हम तो आरोप लगा नहीं रहे हैं। लेकिन राम जन्मभूमि में आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिए ट्रस्ट में कितने लोग हैं, उसमें कितने लोग OBC और SC के हैं।